सावन के तीसरे सोमवार बाबा महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर चंद्रमौलेश्वर स्वरूप और हाथी पर मन महेश के स्वरूप में विराजित होकर अपने भक्तों को दर्शन देने निकले। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बाबा महाकाल की पालकी को अपने कंधों पर उठाया। देखिए ये खास रिपोर्ट। सावन के तीसरे सोमवार बाबा महाकाल की पालकी तीन स्वरूपों में निकली। पहला स्वरूप चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर स्वरूप और हाथी पर मनमहेश के स्वरूप और गरुड़ पर शिव तांडव की प्रतिमा पर बाबा महाकाल अपने महल से निकलकर भक्तों के बीच पहुंचे। यात्रा से पहले बाबा की पालकी का पूजन अर्चन किया, इसके बाद उन्हें पुलिस द्वारा सलामी दी गई। इसके बाद नगर भ्रमण के लिए बाबा महाकाल रवाना हुए। आज भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की तीसरी सवारी है जो नगर भ्रमण पर निकली है और बड़ी दिव्यता और बड़ी भव्यता है। आज तीन रथ भगवान के निकले हैं। पहली पालकी है जिसके अंदर भगवान महाकालेश्वर का प्रतीकात्मक जो मूर्ति है वो विराजित है, जिनको चंद्रमौलेश्वर कहा जाता है। इसके बाद जो गरुड़ जी होंगे उसके ऊपर शिव तांडव नृत्य की प्रतिमा स्थापित है और हाथी है जिनके ऊपर है तो मन महेश है। आज तीन सवारी के रूप में भगवान के तीन विग्रह आज बाजार में भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने अपने घर अपने मंदिर से भगवान निकले। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी बाबा महाकाल की पूजा की, साथ ही पालकी को अपने कंधों पर उठाया। यात्रा मार्ग पर आकर्षण बैंड बाजों के साथ साथ डमरू वादन भी किया। 1500 डमरू वादकों ने 10 मिनट तक लगातार डमरू बजाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, उज्जैन।